अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं तस्नीम बानो शफीक अहमद। प्यारे बच्चों, आपने ये जान लिया है कि समते चार होती हैं, मशरिक, मगरिब, शमाल और जुनूब। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि हम नक्शे का मुतालिया किस तरह करते हैं? उससे पहले हम ये जानते हैं कि नक्शा बनाया किस चीज का जाता है। प्यारे बच्चों, आप जहाँ रहते हो, चाहे वो गांव हो, चाहे बस्ती हो, चाहे शहर हो, जब कई शहर, गांव और बस्तियां मिलती है तो इनसे बनता है ताल्लुका। तो आइए हम सबसे पहले ताल्लुकों से मिलकर बनने वाले जिला के नक्शे का मुतालिया करते हैं। इस वक्त हम जिला जलगांव के नक्शा के पास खड़े हुए हैं और इसमें कई ताल्लुके हैं, मसलन चोपड़ा, धरनगांव, अमलनेर, पारोला, एरंडोल, भाड़गांव, चालीसगांव, पाचोरा, जामनेर, बोधवर, भुसावल, यावल, रावेर और मुक्तईनगर। ये तमाम जिला जलगांव के ताल्लुके हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नक्शे पर हमेशा एक जानिब, ऊपर की एक जानिब समतों का तायुन किया जाता है? और आपको पता है कि अगर हम नक्शा कागज पर बना रहे हों, या दीवार पर बना रहे हों, या हमारी किताब या ब्यास पर नक्शा मौजूद हो, तो उसमें हमेशा ऊपर की जानिब शुमाल की सिमत ली जाती है और उसके बिल्कुल नीचे जुनूब की सिमत ली जाती है, इसके दाईं जानिब मशरिक की सिमत और बाईं जानिब मगरिब की सिमत ली जाती है। प्यारे बच्चों, अब तो ये हो गया कि नक्शे में समतों का तायुन हो गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब हमें इस नक्शा का मुतालिया करना होगा तो हम इस नक्शे की समत को हमारी असल समत से किस तरह मिलाएं? तो इसे मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? शाबाश, हम इस्तेमाल करेंगे सूरज के तुलू होने की समत से। जो हमारा नक्शा है, अगर वो ब्यास पर बना हुआ है या किताब पर बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसकी मशरिक की समत को हमारे तुलुई आफ्ताब की समत यानी मशरिक की समत की जानिब रुख कर मोड़ देंगे। यानी इस तरह के मशरिक जो तुलुई आफ्ताब की समत है वो, और हमारे ब्यास या किताब पर बने हुए नक्शे पर मौजूद समतों जो है मशरिक की, उसको, उन दोनों को एक जानिब करेंगे तो हमको नक्शा पढ़ने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह नक्शा का मुतालिया किया जाता है। इसी तरह जिस तरह यहाँ पर जलगांव का नक्शा दिया हुआ है, अगर मुझे इस नक्शे का मुतालिया करना है तो मैं पहले ये देखूंगी कि जिला जलगांव के अतराफ में कौन कौन से अजला मौजूद हैं। ये जो लकीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जिला जलगांव की सरहदी लकीरें हैं और इन सरहदी लकीरों से दूसरे अजला जुड़े हुए होते हैं। मसलन यहाँ हम देखें अगर जुनूब की समत, तो जुनूब की समत में जिला औरंगाबाद जिला जलगांव से जुड़ा हुआ है। जब हम इस जानिब यानी मगरिब की समत आते हैं तो जिला धूलिया जिला जलगांव की सरहद से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद जिला बुल्ढाना की तरफ आते हैं तो जिला बुल्ढाना इस जानिब से जुड़ा हुआ है जिला जलगांव से, और ये समत है मशरिक की समत। फिर इसके बाद अब हम जब ऊपर जाते हैं यानी शिमाल की जानिब जाते हैं तो जिला जलगांव की ये सरहद जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश की सरहद से। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम किसी भी नक्शा का मुतालिया करते हैं।